कांग्रेस के सीनियर लीडर ते बटाला तो तीन बार विधायक रहे अश्विनी शेखड़ी ते पार्टी नूं छड्ड के श्रोमणी अकाली दल विच शामिल होण ते ब्रेक लग गई है। अश्विनी शेखड़ी की अज तबीयत खराब हो गई, इस मगरों अमृतसर के फोर्टिस हस्पताल विच दाखिल हो गए। उन्होंने छाती में दर्द की शिकायत थी, इस मगरों उन्होंने सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए। दस दिए कि शेखड़ी के अज अकाली दल में शामिल होने की चर्चा थी, पर पता लगा है कि मीडिया में खबर आने मगरों पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शेखड़ी को फोन किया। माना जा रहा है कि कांग्रेसी लीडर ने शेखड़ी को समझा लिया है। दरअसल सोशल मीडिया उत्ते चर्चा थी कि शेखड़ी सोमवार को अकाली दल में शामिल होंगे। इस चर्चा का अश्विनी शेखड़ी के वालों कोई खंडन नहीं किया गया था। इस मगरों माना जा रहा है कि शेखड़ी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। हल्के के भी यह चर्चा थी कि 28 जून अश्विनी शेखड़ी श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल को मिलेंगे। यह भी पता लगा है कि कांग्रेस के विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने एतवार को अश्विनी शेखड़ी के नाल मीटिंग करके गिले शिकवे के संबंधी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल मीटिंग तय करवाने का भरोसा दिंदिया पार्टी ना चलने की अपील की। शेखड़ी 1985 2012 बटाला तो कांग्रेस के विधायक रहे और 2002 कांग्रेस सरकार बनते राजमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने पिता मरहूम विश्वामित्र शेखड़ी भी बटाला तो कई बार विधायक रहे सन। अश्विनी शेखड़ी के सखे भरा इंद्र शेखड़ी भी 2017 की चोणों तो बाद अकाली दल में शामिल हुए सन। उधर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पार्टी के सीनियर आगू और सबका मंत्री अश्विनी शेखड़ी कांग्रेस में रहेंगे और उन्होंने पार्टी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने शेखड़ी के नाल गलबात की और सारिया चिंतावान के हल का भरोसा दिता। उन्होंने कहा कि शेखड़ी पक्के कांग्रेसी हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन पार्टी के नाल बिताया और उन्होंने पार्टी छोड़ने दी सारिया अफवाह बेबुनियाद ने। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ कॉम टीवी। कांग्रेस के सीनियर लीडर ते बटाला तो तीन बार विधायक रहे अश्विनी शेखड़ी ते पार्टी नूं छड्ड के श्रोमणी अकाली दल विच शामिल होण ते ब्रेक लग गई है। अश्विनी शेखड़ी की अज तबीयत खराब हो गई, इस मगरों अमृतसर के फोर्टिस हस्पताल विच दाखिल हो गए। उन्होंने छाती में दर्द की शिकायत थी, इस मगरों उन्होंने सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए। दस दिए कि शेखड़ी के अज अकाली दल में शामिल होने की चर्चा थी, पर पता लगा है कि मीडिया में खबर आने मगरों पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शेखड़ी को फोन किया। माना जा रहा है कि कांग्रेसी लीडर ने शेखड़ी को समझा लिया है। दरअसल सोशल मीडिया उत्ते चर्चा थी कि शेखड़ी सोमवार को अकाली दल में शामिल होंगे। इस चर्चा का अश्विनी शेखड़ी के वालों कोई खंडन नहीं किया गया था। इस मगरों माना जा रहा है कि शेखड़ी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। हल्के के भी यह चर्चा थी कि 28 जून अश्विनी शेखड़ी श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल को मिलेंगे। यह भी पता लगा है कि कांग्रेस के विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने एतवार को अश्विनी शेखड़ी के नाल मीटिंग करके गिले शिकवे के संबंधी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल मीटिंग तय करवाने का भरोसा दिंदया पार्टी ना चलने की अपील की। शेखड़ी 1985 2012 बटाला तो कांग्रेस के विधायक रहे और 2002 कांग्रेस सरकार बनते राजमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने पिता मरहूम विश्वामित्र शेखड़ी भी बटाला तो कई बार विधायक रहे सन। अश्विनी शेखड़ी के सखे भरा इंद्र शेखड़ी भी 2017 की चोणों तो बाद अकाली दल में शामिल हुए सन। उधर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पार्टी के सीनियर आगू और सबका मंत्री अश्विनी शेखड़ी कांग्रेस में रहेंगे और उन्होंने पार्टी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने शेखड़ी के नाल गलबात की और सारिया चिंतावान के हल का भरोसा दिता। उन्होंने कहा कि शेखड़ी पक्के कांग्रेसी हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन पार्टी के नाल बिताया और उन्होंने पार्टी छोड़ने दी सारिया अफवाह बेबुनियाद ने। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ कॉम टीवी।